ये सोचकर सीना चौड़ा हो जाता है कि गांधी भारत में पैदा हुए, हम गांधी के वंशज हैं, ये सौभाग्य हमारा है। कितने खुश नसीब थे वो लोग जिन्होंने गांधी को देखा होगा। जितने साहसी मन से उतने ही मुलायम, अपनों के लिए लड़ते हुए भी दुश्मनों के प्रति नफरत ना रखने वाले गांधी। कितना बड़ा दिल था गांधी जी का कि उन्होंने उसे भी माफ कर दिया जिसने उनको यातनाएं दी, मारने की कोशिशें की। वो गांधी जिसकी सत्य और अहिंसा की ताकत ने दुनिया की सारी ताकतों को बौना कर दिया था। वो गांधी जिसके बारे में अल्बर्ट आइंस्टाइन कहा करते थे कि आने वाली नस्लें इस बात पर यकीन नहीं कर पाएंगी कि हार्ड मास का कोई पुतला ऐसा भी था जिसके करिश्मे के सामने दुनिया की सारी शक्तियां नतमस्तक हो गई। साउथ अफ्रीका में पिछड़ों, शोषितों और अन्य वर्गों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने वाले गांधी अपने देश के लोगों की गरीबी से अधीर होकर आधी धोती में पूरा जीवन गुजारने वाले गांधी दुनिया की सबसे शक्तिशाली ब्रिटिश क्राउन की आंख में आंख डालकर उसकी तानाशाही का विरोध करने वाले गांधी। गांधी केवल व्यक्तित्व नहीं थे, गांधी स्वयं में एक युग है। ऐसा युग जिसमें न्याय की लड़ाई है, ऐसा युग जिसमें अधिकारों के लिए संघर्ष है, ऐसा युग जिसमें इंसानियत और दूसरे का दुख महसूस करने का साहस है, ऐसा युग जिसमें राम सिर्फ नाम नहीं मर्यादा और कर्तव्य है। शायद यही कारण है कि गांधी के जाने के 76 साल बाद भी गांधी के सामने झुके बिना सत्य और अहिंसा प्रमाणित नहीं हो सकते। अमेरिका से लेकर यूरोप तक, अफ्रीका से लेकर ऑस्ट्रेलिया की गलियों तक आपको गांधी दिख जाएंगे। उनका कद कितना बड़ा है, उनका ओहदा कितना ऊंचा है, उनकी मूर्ति के सामने झुके हुए लोगों से पता चलता है। आज जब कोई हिंदुस्तानी भारत से बाहर किसी दूसरे देश में जाता है तो वहां उसकी इज्जत इसलिए भी होती है क्योंकि वो गांधी के देश से आया है। रंग भेद से लड़ने वाले नेल्सन मंडेला जेल में लगभग 3 दशक गुजारने के बाद जब जेल से बाहर निकले तो मुस्कुराए। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि इतनी मुश्किल के बावजूद भी आप मुस्कुरा रहे हैं। मंडेला ने कहा, मैंने गांधी को पढ़ा है, ये है गांधी की ताकत। सारी दुनिया में अहिंसात्मक आंदोलनों के प्रेरणा स्रोत हैं गांधी। देश की आजादी के लिए गोली, बंदूक, तोप और गोलों के खतरनाक अंजाम से बेफिक्र होकर निहत्ते लड़ते गांधी। मार्टिन लूथर किंग ने जिनके सिद्धांतों पर चलकर अपने देश में अफ्रीकन अमेरिकन्स को समानता का अधिकार दिलवाया, वो हैं गांधी। वर्तमान युग में पैदा हुए अहिंसा के सबसे बड़े दूत लियो टॉल्स्टॉय भी गांधी के पत्र का इंतजार किया करते थे। जिस चार्ली चैपलिन के पीछे दुनिया दीवानी थी, वो चार्ली चैपलिन गांधी से मिलने के लिए बेताब रहते थे। आज दुनिया के सैकड़ों देशों में, अनगिनत शहरों में आपको पतले दुबले लाठी टेके गांधी की प्रतिमा दिख जाएगी, जहां दुनिया की नामचीन विभूतियां झुक झुक कर फूल अर्पित करती, फूल चढ़ाती नजर आएंगी। आज जब हम गांधी को याद करते हैं तो अपने इतिहास के गौरव को जिंदा करते हैं। जब बापू का नाम लेते हैं तो हिंदुस्तान की असली ताकत का एहसास करते हैं। गांधी भले ही इस दुनिया में नहीं, मगर दुनिया के दिलों में है गांधी। गांधी मोहब्बत की परंपरा बनकर हिंदुस्तान के सीने में धड़कते हैं। आज भी सत्य की पगडंडियों पर चलते हुए गांधी मिल जाएंगे आपको। बस दिल से याद तो कीजिए गांधी को।